दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने नाम के साथ योगी शब्द का प्रयोग करने से रोकने की मांग को लेकर दाखिल याचिका 1,00,000 रुपए हर्जाने के साथ खारिज कर दी है। दोस्तों, कोर्ट ने याची को हर्जाने की राशि 6 सप्ताह में जमा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। दोस्तों, हर्जाने की राशि विकलांग केंद्र को दी जाएगी। याचिका में कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ अलग अलग नामों से लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नामांकन करते और शपथ लेते आए हैं, जबकि उन्हें सिर्फ अपने आधिकारिक नाम से ही चुनाव लड़ना चाहिए और उसी नाम से शपथ लेनी चाहिए। दोस्तों, याचिका के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने 2004, 2009, 2014 के चुनाव में आदित्यनाथ के नाम से शपथ ली। उसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे योगी जोड़ दिया। वह अपने नाम के साथ योगी शब्द का इस्तेमाल उसी तरह से कर रहे हैं जैसे डॉक्टर या इंजीनियर टाइटल का उपयोग किया जाता है, इसलिए उन्हें अपने नाम के आगे योगी शब्द का प्रयोग करने से रोका जाए। दोस्तों, कोर्ट ने याचिका को न्यायालय का समय बर्बाद करने वाली बताते हुए 1,00,000 रुपए हर्जाना लगाया और याचिका खारिज कर दी। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।